हमारी ई बुक संख्या 255 है अभी तक जो ईमेल पर है, और ऑनलाइन हमारी 432 पुस्तकें हैं जहां से भी पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार की पुस्तक तो हमारे इन सुरुचि प्रकाशन के जो तरह तरह के समय समय पर स्टॉल लगते हैं वहां से और सुरुचि प्रकाशन से लेकर पढ़ सकते हैं। ये कुल मिलाकर के सुरुचि का बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने बात रखी है। अब ये पुस्तक का लोकार्पण होगा, आपके सामने है, मैं संयोजक को बुलाता हूँ आए। धन्यवाद। पुस्तक का लोकार्पण करने से पूर्व मैं आज की हमारी विशिष्ट अतिथि सुश्री निधि त्रिपाठी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री, उनसे निवेदन करता हूं कि हमें संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय नितिन जी, आदरणीय सुनील जी, हम सभी के मार्गदर्शक रहे हमेशा से ही, आदरणीय राजकुमार जी, साथ ही साथ ललित जी, और आज इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित आप सभी विद्वत जनों को, आप सभी विद्वत वृंद को मैं प्रणाम करती हूँ। यदि प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शिल्पकार कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब भी विद्यार्थी परिषद में कोई भी कार्यकर्ता जुड़ता है और जुड़ने के पश्चात वो विद्यार्थी परिषद की बैठकों में आना आरंभ करता है, किसी कार्यक्रम में आना आरंभ करता है, तो हम अपने सभी सीनियर कार्यकर्ताओं से हमेशा ये सुनते हैं कि हम सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे, सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे, सामूहिक नेतृत्व होगा, सामूहिक रूप से हम उसका क्रेडिट भी लेंगे। ये सारी बातें एक टीम स्पिरिट की बातें, एक टीम होने की बातें और एक सामूहिकता के गुण हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के, अपने सीनियर कार्यकर्ताओं के माध्यम से बैठकों में, आंदोलनों में और कार्यक्रमों में सीखते हैं। और इसका ही ये परिणाम है कि इस बार जब 15 अगस्त को अपने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव को हम मना रहे थे, तो उसी सामूहिकता का ही परिणाम था कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे देश भर में 109,635 स्थानों पर एक साथ में ध्वजारोहण किया गया। और ये विद्यार्थी परिषद की उस सामूहिकता का परिणाम था जिसके कारण विद्यार्थी परिषद सामूहिक रूप से उस टीम स्पिरिट के साथ में ग्राउंड पर उतरी, जिसके कारण विद्यार्थी परिषद का जो एक ध्वजारोहण करने का जो एक कार्यक्रम था, ये एक अभियान सिर्फ विद्यार्थी परिषद का नहीं बल्कि जन अभियान का रूप ग्रहण करते हुए सामाजिक पटल पर सबके सम्मुख उपस्थित हुआ। जब भी हम प्राध्यापक यशवंत राव जी के विषय में सुनते हैं तो प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चरित्र जिन्होंने स्वयं से उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से, सिर्फ ये नहीं कि हमने बातों में कहा और वो बातें बातों में रही अन्य कार्यकर्ताओं के लिए हो परंतु स्वयं के लिए नहीं, परंतु प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी ने एक स्वयं से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। हम देखते हैं कि प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी ने जो एक कार्यकर्ता भाव के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने जो कहा कि हम सभी अपूर्णांक हैं, मिल करके पूर्णांक बनते हैं, कोई भी कम महत्वपूर्ण अपूर्णांक नहीं है, कोई भी अधिक महत्वपूर्ण अपूर्णांक नहीं है, हम सभी जब मिलते हैं तब हम पूर्णांक बनते हैं। और प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी का यह वाक्य ही इस बात का प्रमाण है कि विद्यार्थी परिषद के अंदर कोई भी कार्यकर्ता बड़ा नहीं होता है, कोई भी कार्यकर्ता छोटा नहीं होता है, अपितु सब में एकमात्र तत्व जो कॉमन होता है, जो सामान्य होता है, वो तत्व कार्यकर्ता का भाव होता है। और एक उसी कार्यकर्ता के भाव को लेकर के हम सभी टीम स्पिरिट के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने संगठन के कार्यों का संपादन करते हैं। प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी के व्यक्तित्व में यदि देखें तो वो हमेशा से ही, महिला हो या फिर पुरुष हो, उनके समानता की बात करते थे। और उनके जीवन का ये प्रकरण है कि जब एक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के विवाह का निमंत्रण देने के लिए उनके घर पर गए, तो निमंत्रण देने के बाद वो लौटने लगे तो उन्होंने प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी से कहा कि भाई साहब, आप भी विवाह में आइएगा और भाभी जी को भी लेकर आइएगा। तो उन्होंने तुरंत उन्हें उत्तर दिया कि भाभी जी कोई रेफ्रिजरेटर या फिर कोई सामान तो नहीं है जिन्हें मैं अपने साथ लेकर के आऊँगा, आप उन्हें स्वयं अंदर जाइए और आप उन्हें निमंत्रण देकर आइए। और बाद में वो कार्यकर्ता अंदर गए और उन्होंने निमंत्रण दिया भाभी जी को, और बाद में वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए।
तो एक उनका समानता का जो दृष्टिकोण था वो सिर्फ बातों में नहीं बल्कि स्वयं से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए ये आगे बढ़ाया। हम हमेशा जब अधिवेशनों में जाते हैं, जब हम अभ्यास वर्गों में जाते हैं, या मैं इसी कार्यक्रम की बात करूं, तो हम हमेशा पूर्व योजना एवं पूर्ण योजना के विषय में सुनते हैं। किसी भी कार्यक्रम के संपादन के लिए पूर्व योजना एवं पूर्ण योजना नितांत आवश्यक होती है, और यदि यह वाक्य, यदि यह प्रेरणा हम सभी को किसी ने दी तो वो प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी हैं। एक कार्यकर्ता के भीतर कार्यकर्ता का भाव स्थापित होना चाहिए। हम जो हम अनौपचारिक चर्चा के विषय में सुनते हैं, अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यपद्धति में ही है अनौपचारिकता, तो वो सिर्फ उनका ये कहना भी था कि कोई भी कार्यकर्ता जब हम मिले तो सिर्फ हम बैठकों में ना मिले, कार्यक्रमों में ना मिले, बल्कि घर तक जाएं। और उसका भाव ही यही था कि कार्यकर्ता संगठन से जुड़ता है, उस विचार से जुड़ता है, तो कार्यकर्ता का विचार सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि वो विचार घर का विचार भी बनना चाहिए। और इस कारण से प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी हमेशा अनौपचारिकता पर और प्रवास करने पर भी जोर दिया करते थे। और हमेशा उनका ये भी एक कहना था, प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी ने ये भी कहना था कि हर एक क्षेत्र में नेतृत्व विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदान करें, अर्थात केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में हम नेतृत्व प्रदान करें। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज जब हम विद्यार्थी परिषद के द्वारा हैप्पी एंड मीनिंगफुल कैंपस लाइफ, हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, तो उसके माध्यम से हम हर एक क्षेत्र में नेतृत्व देने की बात करते हैं, जिसमें आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता SFD के माध्यम से पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले लोगों के लिए भी नेतृत्व देने का काम कर रही है, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए SFS के माध्यम से नेतृत्व देने का कार्य विद्यार्थी परिषद कर रही है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में आज नेतृत्व देने का काम विद्यार्थी परिषद कर रही है और प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी के स्वप्न को साकार करने का प्रयास कर रही है। अंत में मैं बस इतना ही कहकर अपनी बात को विराम दूंगी कि मेरी पीढ़ी ने, मेरी जनरेशन ने प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी को नहीं देखा है, परंतु हम जब भी विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति को लागू करते हैं और संगठन के भीतर काम करते हैं, तो आज भी प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति के माध्यम से सूक्ष्म शरीर के रूप में हम सभी के मध्य में विद्यमान है, हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के अंदर विद्यमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद निधि जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंचासीन अतिथि वृंद से निवेदन करता हूँ कि अब वो इस पुस्तक का विमोचन करें। प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका रखने हेतु मैं इस पुस्तक के संपादक आदरणीय राज जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं इसलिए खोल रहा हूं कि इसको कोट करना है मुझे। आदरणीय नितिन जी, आदरणीय सुनील जी, बहन निधि त्रिपाठी, मित्र और ललित जी, और सम्मानित बहनों और भाइयों, आज के कार्यक्रम का जो निमंत्रण भेजा गया उसकी शुरू की दो पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। उसका उल्लेख आया है, ललित जी ने किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिल्पी स्वर्गीय श्री यशवंतराव केलकर के जीवन को आधार बनाकर कार्यकर्ता संभाल विषय पर लेखों का संगठन, संगठन कौशल, और उसका ये लोकार्पण का कार्यक्रम। जब ये किताब बनाने का मेरे मन में आया तो मैंने पहले दिन सोचा कि इसका शीर्षक ही रखा जाए कार्यकर्ता संभाल, क्योंकि वही विषय मेरे मन में हावी था। चार लोगों का एक संपादन मंडल बना और उसमें तय हुआ कि इसको शीर्षक दिया जाए संगठन कौशल। तो संगठन कौशल और कार्यकर्ता संभाल, अब इनमें जो तालमेल है
वो आसानी से समझ में आना चाहिए। और फिर उसमें भी ये कि यशवंतराव केलकर पर आधारित, और अब हम देख रहे हैं कि जो मुख पृष्ठ है उस पर यशवंतराव केलकर जी का चित्र है, न सिर्फ चित्र है उसमें खास डिज़ाइन है। देखेंगे तो ऊपर की ओर जो भी दिख रहा है वो अपूर्णांक है और नीचे जो दिख रहा है वो पूर्णांक है। अब ये इस तरह के चित्र की कल्पना की गई और फिर इसका मुख पृष्ठ तैयार हुआ। तो इसमें यशवंतराव केलकर भी है, इसमें कार्यकर्ता संभाल का विषय भी है, इसमें संगठन कौशल का विषय भी है, और इसमें और ख़ास बात यह है कि ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए भी किताब एक तरह से बनी है। छोटी सी कहानी है, मैं थोड़ा सा एक उस तरह से बात को प्रस्तुत करूंगा। मुझे कभी कभी सुबह कोई आइडिया सूझता है, तो 3 जनवरी था, रविवार का दिन था, सुबह मुझे दिमाग में आया कि केलकर जी की एक किताब थी जिसका नाम था मानुष नावाचा काम, और ये मेरे दिमाग में जो कार्यकर्ता संभाल वाली बात चल रही थी उससे मेल खाने वाला मामला था। तो मैंने कहा कि वो मानुष नावाचा काम वाली जो किताब है उसमें वही विषय आया है जो मेरे मन में आ रहा है, लेकिन वो तो मराठी में थी। तो मैं सोचने लगा कि क्या करूं, फिर मुझे ध्यान आया कि उनकी एक किताब है अपूर्णांक, पूर्णांक की ओर, वो मेरे पास थी और वो हिंदी में है, तो तुरंत उसको मैंने निकाल कर देखा। तो देखा तो वो तो मानुष नावाचा काम का अनुवाद ही थी पूर्णांक की ओर। तो मैंने, मुझे भी ये ध्यान में नहीं था कि उस किताब का ये और अनुवाद है। फिर देखा तो पूर्णांक की ओर के भी 2 संस्करण निकले, पहला 2001 में निकला और फिर 2010 में निकला। तो फिर मुझे लगा कि ये किताब में मुझे वो सब मिल रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि भाई ये मुझे अकेले नहीं करना है, तो मैंने 3 लोगों को अपने साथ मिलाया। मिलिंद मराठे जी विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे पहले, उनको कहा मिलिंद जी आप मेरा साथ दोगे ये किताब बनाने में? हाँ हाँ। तो मिलिंद जी को साथ में लिया। फिर सुधीर जोगलेकर हैं, पत्रकार हैं, मुंबई में रहते हैं, यशवंतराव जी की मृत्यु के 1 साल बाद एक ग्रंथ बना था, मैं उसको ग्रंथ कह रहा हूँ, एक अच्छी किताब है यशवंत, उसका संपादन 3 लोगों ने किया था, बाल आपटे जी, विनय सहस्रबुद्धे और सुधीर जोगलेकर। तो उनमें से मैंने सुधीर जोगलेकर जी को साथ में लिया। फिर एक अरुण करमरकर नाम के मुंबई में पत्रकार भी हैं, पुराने कार्यकर्ता भी हैं और लेखन प्रतिभा के धनी हैं, उनको साथ में लिया, वो भी तैयार हो गए। तो हम 4 लोगों ने मिलकर किताब की योजना बनाई। फिर मन में ये भी आया कि पुरानी सामग्री कुछ दी जा सकती है, कुछ नई सामग्री आनी चाहिए। तो ध्यान में आया कि नई सामग्री के लिए किनको संपर्क किया जाए, तो जिन्होंने विद्यार्थी परिषद में बड़ी भूमिका निभाई ऐसे करीब 25 लोगों को संपर्क किया कि आप लेख लिखिए। जैसे होता है कईयों को फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, जो भी था, लेकिन 17 नए लेख लिखे गए। तो 17 नए लेख इस पुस्तक में हैं और बहुत कुछ पुरानी सामग्री भी है। मैं जो 17 लेख लिखे गए उनका मैं बहुत संक्षेप में जिक्र करना चाहूँगा। विद्यार्थी परिषद में सबने बड़ी भूमिका निभाई, सदाशिवराव देवधर, गीता गुंडे, अतुल कोठारी, जो सब प्रचारक की भूमिका में हैं, अनिरुद्ध देशपांडे जी विद्यार्थी परिषद के भी पुराने कार्यकर्ता और संघ में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पीवी कृष्ण भट्ट जी, फिर 2 लोग जो गवर्नर रहे पद्मनाभ आचार्य जी, ओम प्रकाश कोहली जी, फिर डॉक्टर अशोक मोड़क और डॉक्टर कैलाश शर्मा, इन सब ने नया लेखन किया है।
मैंने उनको ये भी कहा कि एक पेज लिख दीजिए, दो पेज लिख दीजिए, लिख दीजिए, मेरी किताब बन जाएगी। तो उतना फिर सब ने लिख दिया। और फिर इसके अलावा महेश चंद्र जी, राम बहादुर राय, विनय सहस्रबुद्धे, श्याम जाजू, इच्छा थी कि सुनील अम्बेडकर जी भी लिखें, पर सुनील जी को समय नहीं मिल पा रहा था। तो ये भी था कि सुनील जी नहीं लिखेंगे तो भी किताब तो निकालनी है, लेकिन सुनील जी भी ने भी कसम खाई थी कि लिखना तो है, और उन्होंने अल्टीमेटली लिखा। और उनका जो लिखना है वो किताब में आमुख के तौर पर आया है। अब इस किताब में तीन चार तरह की बातें हैं, इसमें कार्यकर्ता संभाल भी है, इसमें संगठन कौशल भी है, ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए भी बनी है, 10,000 का ऑर्डर ही मिल गया प्रकाशक को किताब पुस्तकों का। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था वो संगठन कौशल की बात को हाईलाइट करना, और वो भी यशवंत राव जी की जो मानुष नावाच काम नाम की मराठी की पहली पुस्तक थी उससे जोड़ना। यहाँ मैं एक और उल्लेख करूँगा, वो ये है कि कुछ पुरानी सामग्री जो छपी थी उसमें माननीय मोहन भागवत जी का एक, उन्होंने 2010 में पूर्णांक की ओर का दूसरा संस्करण निकाला गया था, उसमें माननीय मोहन भागवत जी ने लिखा था मनोगत, वो इसमें है। माननीय मदन दास जी ने प्रस्तावना लिखी थी, वो इसमें है। 2010 में प्राध्यापक बाल आपने एक लंबा लेख लिखा था, वो इसमें है। और एक कमाल की बात यह है कि 1985 में केलकर जी की अर्धांगिनी श्रीमती केलकर जी ने एक लेख लिखा था, वो इसमें है। मैंने आज कोशिश की थी कि वो ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ सकें। केलकर जी के तीन पुत्र हैं, एक निश्चित तौर पर जुड़े होंगे ऑनलाइन अमेरिका से, बाकी दोनों जुड़ पाए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनकी श्रीमती ने कहा कि मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन वो मुंबई में इस समय हैं। तो उनका लेख है, प्राचार्य गिरिराज किशोर जी, वो भी अखिल भारतीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक लेख लिखा था। रवि कुमार जी ने एक लेख लिखा था अंग्रेज़ी में, रवि कुमार जी ने खुद उसका हिंदी अनुवाद किया अभी, वो इसमें है। ये पुराने लेख हैं। और एक शांतनु शेंडे, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हुए विद्या भारती मेरे, उनका लेख इसमें है। इस तरह से कुछ पुराने लेख, कुछ नए लेख, उससे ये मिलाकर ये किताब बनी है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें चारों तरह का मामला है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, केलकर जी के भरपूर दर्शन इस किताब में हैं, और जो मेरा मुख्य हेतु था कार्यकर्ता संभाल। यशवंत राव जी ने क्यों कहा ये मानुष नावाच काम, उन्होंने कहा कि सामाजिक काम मनुष्यों का काम है, और मनुष्य ये कोई मशीन का पुर्जा नहीं होता। तो मनुष्य वो है कि जिसकी संवेदनाएं होती हैं, जिसको कभी कोई कोई बात अच्छी लगती है तो बुरी भी लगती है। अच्छा कार्य करता है उसके बावजूद भी कई बार वो बड़ा हतोत्साहित हो जाता है, इसलिए वो हतोत्साहित न हो, उसका उत्साह बना रहे। अगर वो किसी चीज़ से हर्ट हो गया है तो उसका ध्यान रखा जाए, वो कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात पूरी सुनी जाए। तो इसलिए उन्होंने वो शीर्षक था मानुष नावाच काम, मनुष्यों से संबंधित। तो उसी से मिलता जुलता मामला है कार्यकर्ता की संभाल। मैं और लंबा नहीं बोलूँगा, मैंने पुस्तक में ये भी लिखा है कि ये एक प्रकार से संघ सृष्टि में संगठकों की भूमिका निभाने वालों के लिए ये किताब मैंने तैयार की है। संघ सृष्टि में केवल विद्यार्थी परिषद नहीं आती, बहुत लोग आते हैं। मैं पुराना संघ का स्वयंसेवक हूं, और उसी एक भाव मेरे मन में प्रबल था जिसका मैंने प्रस्तावना में लिखा भी है। तो जो संगठक की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये संगठकों के लिए किताब है, जो संगठक की भूमिका निभाते हैं। पहले कार्यकर्ता बनता है, फिर संगठक बनता है, और संगठक को मनुष्यों का काम करना पड़ता है, संगठक को कार्यकर्ताओं की संभाल करनी पड़ती है। केवल आखिरी बात कहूँगा और मैं रुक जाऊँगा। केलकर जी का जब यहाँ जिक्र आता है,
तो केलकर जी तो मतलब सर्वगुण संपन्न थे ही थे, लेकिन केलकर जी का भी जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, अभी निधि त्रिपाठी ने जो शुरू शुरू में बोला, जिसको कहा गया कि हम सब टीम के तौर पर काम करेंगे, मैं कहूँगा कि टीम वर्क का जो जो घुट्टी केलकर जी ने विद्यार्थी परिषद में तो पिलाई, इसलिए विद्यार्थी परिषद का तो कार्यकर्ता बिना टीम वर्किंग का सोच भी नहीं सकता, लेकिन कोई भी सामाजिक काम करने वाला अगर उसको ये समझ में आ जाए कि टीम वर्किंग का क्या महत्व होता है, तो फिर सामाजिक काम को आदमी और भी अच्छे प्रभावी ढंग से कर सकता है। उस बात का इसमें उल्लेख, उसमें ज़्यादा वर्णन इस किताब में नहीं है। संगठन कौशल में और बहुत सी बातें आती हैं, वो है अच्छा कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए, वो इसमें है। तो इस तरह की ये एक किताब बनी है। जो एक आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने प्रस्तावना में ये पूछा कि किताब की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसका उत्तर भी मैंने दिया है। एक ये है कि भाई कोई जो विषय कभी सामने आया है वो दोबारा भी आना चाहिए, और दोबारा आने के लिए ये परिश्रम हुआ कि नए लेख भी उसमें आए। ये भी हुआ कि संगठन कौशल का मुद्दा वो फोकस हो, तो वो उसमें आया है। तीसरी बात ये हुई है कि कई बारी कार्यकर्ता चाहे उम्र बड़ी हो जाए परंतु वो कोई संभाल की अपेक्षा करता रहता है, उसको लगता है कि भाई मुझे कोई संभालने वाला होना चाहिए, मेरी कोई सुनने वाला होना चाहिए, तो उसका क्या होगा, आयु भी बड़ी हो गई है, 50 साल 40 साल से काम कर रहा है, फिर भी वो कह रहा है मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, तो इसका क्या उत्तर है कि उसको संभालने की ज़रूरत है क्या? लेकिन अगर उसकी अपेक्षा है तो उसका ये समाधान कौन करेगा कि भाई तुम्हें संभालने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो खुद को संभालो और आगे बढ़ो। और उस पर फिर एक लेख, मैं उसका उल्लेख करके बात ख़त्म करूँगा, महेश चंद्र जी ने लेख लिखा है जिसका शीर्षक है ध्वजाभिमुख होने की आवश्यकता। लेख और भी हैं, मैंने बताया कि 17 नए लेख हैं, सुनील जी का तो आमुख है, उसके अलावा 16 नए लेख हैं, और सब ऐसे लोगों ने लिखे हैं कि जो सामाजिक जीवन में अभी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस ऐसा विषय इस पुस्तक में डील करने की कोशिश हुई है। पुस्तक कितने लोगों को अच्छी लगेगी, कितने काम की होगी, ये तो जो पुस्तक पढ़ेंगे उनकी समझ में आएगा। मुझे तो इतना ही कहना है कि सुनील जी ने इसको विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर भी पुस्तक को मोड़ दिया है, और विद्यार्थी परिषद वालों ने उसका एक ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, तो शायद ये पुस्तक एक उपयोगी पुस्तक बन पाएगी। मैं सुरुचि प्रकाशन का बहुत आभारी हूँ। ये भी हुआ कि मैंने सोचा कि लिखनी है किताब, लिखनी है तो कौन छापेगा, फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी जेब से छापनी पड़ेगी, फिर मेरे एक मित्र हैं उनका तुम लिखो तो सही, छापूंगा मैं इसकी चिंता करूंगा, मैं कहा चलो कोई छापने वाले मिल गए। फिर थोड़ा जिक्र हुआ सुरुचि वालों से, उन्होंने कहा कोई सोचने की बात नहीं, हम छापेंगे, तो मेरा बर्डन हल्का हो गया कि कौन प्रकाशक कौन होगा। और सुरुचि प्रकाशन का जो महत्व है हम सब जानते हैं, दिल्ली वाले तो जानते ही हैं, उन्होंने किताब छापी। संयोग की बात है कि दोनों जो उसके पदाधिकारी हैं दोनों विद्यार्थी परिषद के पुराने साथी हैं, शायद मेरे बारे में जो उनका अतिरिक्त स्नेह है उसके कारण उन्होंने बड़े जल्दी ये निर्णय कर लिया कि सुरुचि छापेगी। मैं सुरुचि का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, और आज नितिन जी भी यहाँ आए, सुनील जी भी आए, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय नितिन जयराम गडकरी जी, माननीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भारत सरकार को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुनील जी, निधि जी, राजकुमार जी, डॉक्टर गोस्वामी जी,
सभी उपस्थित हमारे पुराने ज्येष्ठ कार्यकर्तागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि हम यशवंत राव जी को याद कर रहे हैं। मैं उन भाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूँ कि जिसको यशवंत राव जी का सहवास मिला है। 1975 से लेकर इमरजेंसी घोषित होने के बाद मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। 2 साल तो इमरजेंसी में गए और उसके बाद में 77 में छात्र संघ के चुनाव के निमित्त विद्यार्थी परिषद का मेरा संबंध आया। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर के रूप में काम करते करते विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में इस सब अनुभव से कितने परिवर्तन हुए हैं उसका खुद अनुभव मुझे आया। स्वर्गीय यशवंतराव सदाशिवराव देवधर, मदनदास जी, दत्ता जी, इनके सबके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और अभी तक ये जो सब चर्चा हो रही है वह संघ और विद्यार्थी परिषद तक की सीमित है, पर ये जो हमारी विचारधारा में डॉक्टर हेडगेवार जी, वैसे तो बहुत बड़े बड़े प्रचारक और अनेक लोगों का योगदान है, पर डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस प्रकार की आरएसएस के रूप में संगठन की स्थापना की, उसके बाद में स्वर्गीय भवराव जी देवरस, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, फिर दत्तोपन जी के साथ काफ़ी समय काफ़ी कार्यक्रमों में उनके साथ रहने का मौका मिला और यशवंतराव जी के साथ भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला। और ये सब पूरा प्रवास करते समय एक बात मेरे ध्यान में आई कि इसको साइलो में सोचना ठीक नहीं होगा, ये पूरा विचार एक एक प्रकार से एक इससे जुड़ा हुआ है जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में भविष्य का जो व्यक्ति वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, बिजनेस लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, जिस जिस क्षेत्र में इस भविष्य के व्यक्ति को हमको निर्माण करना है देश के हित में और राष्ट्रवाद की सोच के आधार पर वो व्यक्ति हम कैसे निर्माण करें, राष्ट्र का पुनर्निर्माण उसी समय हो सकता है कि उस प्रकार के व्यक्ति का अगर हम निर्माण कर सकेंगे तो होगा, वो आदर्श व्यक्ति कैसा होगा, ये उस चिंतन का भावार्थ था। और इसलिए स्वाभाविक रूप में पूरे विश्व में एक ऐसा अद्भुत संगठन कि जिसकी इतनी बड़ी विशेषताएं है और जिसकी इतनी बड़ी ताकत है कि जिसके बारे में हम सब काम करने वालों को इसके बारे में जितनी कल्पना चाहिए उतनी नहीं है। हमने यशवंत राव जी के साथ इतने साल काम करने के बाद ये बहुत अच्छी बात हुई कि राजकुमार जी ने ये किताब लिखी, पर कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव लिखे हैं, पर मैं थोड़ा सा अलग से एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। और मुझे कोई मेरा अनुभव बताने का ये व्यासपीठ नहीं है क्योंकि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, पर जो जो छोटी छोटी बातें सीखने के लिए मिली उसका मुझे कैसा फ़ायदा मिला जो खुद मेरा तत्वज्ञान नहीं है ना उसमें कुछ मेरा कर्तृत्व, वैसे मैं सामान्य विद्यार्थी हूँ, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी नहीं था, ना इंजीनियर हूँ ना चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मैं तो बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता था और वो भी विद्यार्थी परिषद में 2 कार्यकर्ता थे, कुछ मारपीट करने वाले रहते थे, कुछ चिंतन करने वाले रहते थे, तो मैं मारपीट करने वालों में से आया तो मेरा ज़्यादा संबंध चिंतन वालों के साथ नहीं था। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इसका परिणाम ऐसा मुझे अनुभव आया कि मैं अभी 2 साल में कोविड के कार्यकाल में ये जो कार्यक्रम ख़त्म हुए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, तो मैंने इस समय 950 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि मैं उस समय नागपुर में ही रहता था और वही काम करता था कोविड के लिए, तो बाहर जाने का उस समय अवसर भी नहीं था, तो मुझे एक मौका मिला और वो मौका ऐसा मिला कि मैं हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर वर्ल्ड में सभी देशों में अनेक कार्यक्रमों में मुझे भाषण करने का मौका मिला और कुछ वाइस चांसलर थे, एक बार 550 VC थे हिंदुस्तान के, वो सिम्बोसिस के हमारी
जो आए थे उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी और अनेक लोगों के साथ मुझे मिलने का मौका मिला। तो इसके ऊपर एक किताब लिखी दो पत्रकारों ने। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने इतने सब विषयों पर इतना कुछ बोला है तो आपको ये कहाँ से आया, कहाँ से मिला? मैंने बोला मुझे कोई, मैंने अध्ययन नहीं किया है ना, मैं कोई बहुत पढ़ने वालों में से हूँ ना, मैं चिंतन करने वाले में से हूँ। तो बोले फिर ये किया कैसे? बोला मैं तो पत्थर था पर मुझे जो कुछ संघ में, विद्यार्थी परिषद में सीखने के लिए मिला, उन गुणों के कारण जो कुछ मैं कर पाया, दैट इज़ माय लीडरशिप, और वो ही मेरी सक्सेस स्टोरी है। अब उसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल, डिवीजन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सब छोटी छोटी बातें, एक एक टीम्स कंसेप्ट, ये यशवंतराव जी ने हमें बताया और हम काम में करते कि हर जिले में एक टीम होगी, सब मिलकर सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर काम करेंगे। ये एक मॉडर्न मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है और ये कम से कम मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखिए कि रतन टाटा से लेकर बिल गेट तक, सब लोगों से मेरे जब व्यक्तिगत बातचीत होती थी तो मुझे पूछते थे कि तुम काम कैसे कर सके, ये तुम्हें संभव कैसा हुआ? तो मैं अक्सर उनको कहता था कि संघ में और विद्यार्थी परिषद के उस समय जो कुछ मुझे सीखने के लिए मिला, वो बताते थे कि अगर कार्यक्रम करना है तो यशवंतराव जी कहते थे कि वो जो बात लगी है उसको पहले कापूर लगाना चाहिए, फिर कापूर लगाकर उसको वो बराबर जलना चाहिए, यहाँ से लेकर कार्यक्रम कैसा होगा। उन्होंने एक बार बताया था कि एक कार्यक्रम हुआ, प्रास्ताविक उसी ने किया, संचलन उसी ने किया, गीत उसी ने गाया, बहुत सुंदर था वो कार्यक्रम, आभार प्रदर्शन उसी ने किया। और बोले दूसरा कार्यक्रम ऐसा हुआ कि प्रास्ताविक एक ने किया, वो बराबर कर नहीं रहा था, अटक रहा था, संचलन करने वाला गलती कर रहा था, आभार प्रदर्शन तीसरे ने किया, अच्छा कार्यक्रम कौन सा हुआ? यशवंतराव जी ने कहा कि जहाँ चार लोगों का सहभाग था वो कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम। कार्यकर्ता का व्यक्ति करके विचार करना और अपने जीवन में उसी प्रकार से व्यवहार करना, नहीं तो विचार में बोलने में बहुत चीज़ें आसानी होती है पर उसमें उस विचारों का अनुकरण अपने जीवन में करना, ये बहुत आवश्यक होता है। और यशवंतराव जी ने यही छोटी छोटी बातें जो समझाई है, ये छोटी बातें नहीं है, ये दीज आर द मॉडर्न थॉट्स ऑफ न्यू मॉडर्न मैनेजमेंट, टीम वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल, टीम स्पिरिट, ह्यूमन रिलेशनशिप, हमारे एक दूसरे के संबंध कैसे होने चाहिए। और इसलिए मुझे याद है कुछ घटना ऐसी कि एक बार दत्तोपन जी और यशवंतराव दोनों थे, कलकत्ता में हमारी एक चिंतन बैठक हुई थी और उस समय आरक्षण के ऊपर बहुत आंदोलन चल रहा था, और आंदोलन आरक्षण पर चल रहा था तो अब आरक्षण विद्यार्थी परिषद ने भूमिका ली और उसमें दत्तोपन जी का भाषण हुआ कि आरक्षण समाज में क्यों आवश्यक है, और फिर प्रश्नोत्तर हुए और प्रश्नोत्तर में मैंने एक प्रश्न पूछ लिया कि ये आरक्षण जो हम लोग देने की बात कर रहे, इज इट ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी? तो ये प्रश्न पूछने के बाद जब वो सत्र समाप्त हुआ तो यशवंतराव जी ने मुझे तुरंत बुलाया अपने में और उनने मुझे कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले आपने ऐसा प्रश्न कैसे पूछा? हम जो संवेदनशीलता की बात करते हैं, आपके मन में ये कैसा आया कि हम लोग ये स्ट्रेटेजी के रूप में कैसे कह रहे हैं? ये स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारा स्वभाव है, ये नैसर्गिक रूप से हमारा चिंतन है कि समाज में समता समरसता प्रस्थापित होनी चाहिए और सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनको समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन समाज में कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इसके आधार पर नहीं होना चाहिए, ये हमारी कमिटमेंट है, हमारी कटिबद्धता है, ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। वो मुझे समझाते रहे। तो उनके जीवन में छोटी छोटी बातों का जो अनुभव था और उसके प्रति उनका जो समर्पण था, वो कमिटमेंट थी, उससे उनका व्यक्तित्व निर्माण हुआ। अब प्रश्न ऐसा है कि एक बात तो सच होती है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित होता है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जब
अस्तित्व में रहता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ पद्धति भी ऐसी नहीं है, पर मुझे लगता है कि अनायस सुनील जी यहाँ उपस्थित हैं और दुनिया में इतने कॉलेजेस हैं, अभी नॉलेज एज ए पावर दुनिया में इसका चिंतन चल रहा है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्स, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये फ्यूचर है ऐसा हम कहते हैं, तो बहुत सही भी है वो, पर इसके साथ कहीं ना कहीं मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, व्यक्ति, कार्यकर्ता और फाइनेंशियल ऑडिट, मैं बोलता था हमारे अधिकारियों को बोलता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल ऑडिट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर आई एम मोर इंटरेस्टेड इन परफॉर्मेंस ऑडिट, और मैंने बोला जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, वर्मी कल्चर करने के लायक नहीं है, उनके हाथ में नरियल दो, VRS दो और इनको छुट्टी करो, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। तो हम ये कब कह सकते हैं कि जब परफॉर्मेंस का ऑडिट करेंगे, कार्यक्षमता का ऑडिट होगा। अब ये जो पूरे हमारे भारतीय विचारों से जुड़ी हुई बातों को लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, भौरव देवरस, बाद में यशवंतराव केकर, इन्होंने इन सब बातों का सूत्र डॉक्टर हेडगेवार जी के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। हेडगेवार जी का कंसेप्ट यही था कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन क्यों आया, हमारे देश में मुगल सल्तनत क्यों आई, जबकि हमारे इतने राजा थे, इतने स्ट्रांग थे, इतनी ताकत थी हर व्यक्ति के पास, पर ये एक मदनलाल डिंगरा जी का वाक्य देवधर जी अक्सर कहते थे कि सभी हिंदुस्तानी एक समय थूक भी देंगे तो भी अंग्रेज बह जाएंगे, पर एक समय ये नहीं हो पाया। तो ये जो बात थी ये उनके चिंतन में थी कि हमें राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, भविष्य के राष्ट्र को निर्माण करते समय उस राष्ट्र को किस प्रकार से निर्माण करना है, उस राष्ट्र की पारिवारिक पद्धति कैसी होगी, समाज पद्धति कैसी होगी, जीवन पद्धति कैसी होगी, शिक्षा पद्धति कैसी होगी, उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, एग्रीकल्चर कैसी होगी, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वातंत्र, ये बातें हमने कमिटमेंट में रूप ली है। पर कभी कभी इन सब बातों को संकलित करके भविष्य के पुनर्निर्माण का एक विचार जो समाज के सभी क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है और उस विचारों के अनुरूप लीडरशिप, कार्यकर्ता हमें कैसा खड़ा करना है और वो प्रशिक्षित कैसे करना है, इसका चिंतन उन्होंने दिया था। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट, उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। यशवंतराव जी वही कहते थे कि हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक हैं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष होंगे ही। आज मैं बात कर रहा था तो ऐसी बात होते हुए दीनदयाल शोध संस्थान के 3-4 पदाधिकारी थे और मैं कहता कि कार्यकर्ता जो होता है उसको हम गुण दोषों के साथ स्वीकारते हैं, अगर वो कोई गलती करे तो उसको निकाल के फेंकना ये उसका उपाय नहीं है, उसकी गलती उसके ध्यान में लाना, तो एक हमारे आप उस समय यशवंत राव जी कहते थे व्यक्तिगत बातचीत, हर जिले में प्रवास करते थे तो कहते थे कि पहले उन एक एक कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत बातचीत करो और उस कार्यकर्ता में अगर कोई कमी है तो उससे व्यक्तिगत बातचीत करके उसको समझाओ, अकेले में किसी की कमी अगर बतानी है तो अकेले में बताना है और किसी की तारीफ करना है तो सब लोगों में करना है और उसको मिलकर ये समझाओ कि ये बात है, थोड़ा सा देखो इसको आप सुधार। तो हमारे हर कार्यकर्ताओं को उसके दोषों को कम करना और उसके गुणों को बढ़ाना और उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती थी ह्यूमन रिलेशनशिप। अब कोई आपकी बात कब सुनेगा, जब उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध होंगे और उस व्यक्ति को ऊपर आपका अधिकार होगा तो ही थोड़ा सा आपने कही हुई बात को वो सुनेगा। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड सोशल वर्क। ऑर्गेनाइजेशन का आत्मा हमारे व्यक्तिगत संबंध कैसे इसके साथ जुड़े हुए हैं और यही बात यशवंत राव जी ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से जीवन में उस प्रकार से उनका व्यवहार था और इसलिए बहुत अच्छी बात हुई कि आज राजकुमार जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। पर नम्रतापूर्वक मेरा इतना ही सुझाव है सुनील जी कि ये बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पर है, यशवंतराव से लेकर हमारे विचार परिवार के जो ऐसे ज्येष्ठ लोग हैं और उनके व्यक्ति जीवन चरित्र पर जो उनका जीवन है,
उसके आधार पर जो मॉडर्न मैनेजमेंट के, अच्छा आज की भाषा में मॉडर्न मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट है उसको इलाबोरेट करके उसको ठीक प्रकार से विश्व के सामने रखने की आवश्यकता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मेरे जैसा बहुत ही सामान्य व्यक्ति, अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मुझे दो बार लेक्चर के लिए बुलाती तो मैं कौन सा अपने ज्ञान देता था, जो बताती है जो संघ विद्यार्थी परिषद ने किया वही बात बताता था। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये इसको और संकलित करना चाहिए, और इसको प्रोफेशनल भाषा में, यानी प्रोफेशनल का शब्द व्यावसायिक नहीं कह रहा हूँ, व्यापारिक नहीं कह रहा हूँ, एक थोड़ा सा ये मुझे लगता है ये साइलोज में थोड़ा थोड़ा इधर हो रहा है। देखो तुम अच्छे कितने हो इसमें आजकल ऐसा है कि तुम कितना अच्छे दिखते हो इसको भी महत्व है, क्योंकि समय के अनुसार हमें इतने लोग मैनेजमेंट में भाषण देते हैं और उनको हम लोग फीस देते हैं मैनेजमेंट पर। अभी मुझे भी यूट्यूब पर एक मौका मिला, मुझे लाखों रुपए मिलने लगे महीने के, क्योंकि मैं जो भाषण देता हूँ उसके कारण मुझे रॉयल्टी मिलने लगी, तो लोग सुनने लगे। तो ये मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, मैं कोई फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट था, ना मैं कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, ना कोई चिंतनशील कार्यकर्ता था, मेरे कोई भी आपकी पात्रता के लिस्ट में मैं बहुत मिनिमम हूँ। फिर भी मेरे जैसा छोटा सामान्य व्यक्ति जो कुछ सीखने के लिए थोड़ा बहुत मिला वो मैं बाहर उनकी बात बताता हूँ तो वो समझ में आती लोगों को, तो इसका मतलब इसमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और हमारी विचारधारा, हमारा संगठन, ये जो शाश्वत विचार है राष्ट्र के पुनर्निर्माण का और भविष्य के नागरिक को कैसे निर्माण करना, उस प्रेरणा से जो कुछ चिंतन हुआ है इसको और अच्छे तरीके से हमने हमारे स्कूल ऑफ थॉट के रूप में, मैं एक उसका आजकल बड़े बड़े अंग्रेजी वर्ड उसको होते हैं, हमने उसको दुनिया के सामने रखना चाहिए। ये रतन टाटा पूछ रहे थे, एक बार मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना तो मेरे डिपार्टमेंट PWD मंत्री था, तो डिपार्टमेंट में 19,000 लोग थे और मेरा बजट 2,000 करोड़ का था, और फिर मैं पैसे भी नहीं थे तो मैंने तय किया कि भाई एक MSRDC करके मैंने एक संस्था की स्थापना की, भी बहुत फ्लैगशिप संस्था है महाराष्ट्र की, और ये वरली बांद्रा जो समुद्र में जो सी लिंक है वो प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, 55 फ्लाईओवर्स बनाए। तो टाटा मुझे पूछ रहे थे कि नितिन मुझे एक बताओ कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम 2,000 करोड़ के काम के लिए 19,000 लोग लगे थे, फिर MSRDC ने 10,000 करोड़ का काम किया तो कितने लोग थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं बताता हूँ, मैंने तुरंत फ़ोन किया और मुझे बताया कि 49। तो उन्होंने मुझे बताया कि 49 लोगों ने 10,000 करोड़ का काम किया और 19,000 लोग 2,000 करोड़ का, इसका कारण क्या है। बोले टाटा साहब ये तुम नहीं समझो। तो बोले क्या, मैंने बोला मैं चड्डी वाला हूँ आपको मालूम है ना, बोले हाँ। तो मैंने बोला मैंने वहाँ समझा है, थोड़ा बहुत सीखा है कि काम करने का प्लानिंग कैसे करना, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे करना, परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे करना, ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे रखना। तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहा था तो उस समय मोबाइल फ़ोन आए थे, पर गवर्नमेंट के रूल्स में मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं थे। अब वो पूना के दरियों में काम कर रहे थे, कॉन्टैक्ट नहीं होता था, तो मुझे उन्होंने कहा कि सर मैं गया विजिट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सर एक मोबाइल फ़ोन दीजिए, मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता। मैंने तुरंत हमारे इसको कहा नहीं नहीं बोल सर, सरकारी नियमों के आधार पर मोबाइल फ़ोन नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला क्या करना, तो उतने में एक मेरा धनवान मित्र है, मैंने बोला एक मोबाइल फ़ोन मुझे दो, बोले तुरंत देता हूँ, देकर मैंने उसको वो प्रेजेंट दे दिया। तो उसको फ़ोन मिलने के बाद इतनी खुशी हुई, मैं एक बार रात को 12 बजे जब एक अचानक चला गया और जब उसको मिला और वो बेचारा काम कर रहा था तो उसके पीठ पे हाथ रखा, उसके आंखों में आंसू थे। तो वो काम जो बड़े बड़े करने वाला था उसके पास केवल कोई लड़ाई वेपन से लड़ी नहीं जाती, दिल से लड़ी जाती है, केवल आदेशों से काम नहीं होता पर ह्यूमन रिलेशनशिप से काम होता है। आज सुबह मैं बैठा था, हमारा एक इंचार्ज है मुंबई दिल्ली हाईवे बना रहे 1,00,000 करोड़ का, तो हमारा जो इंचार्ज था वो आज मेरे पास मेरे PS को बोला कि साहब का 15-20 मिनट टाइम दो, तो मुझे कुछ अटके हुए काम है तो साहब को बताना है। तो मैंने कहा आओ, तो बोला ये यहाँ अटका हुआ है, यहाँ अटका हुआ है, इसका प्रॉब्लम एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम। अभी मेरे मन में आया कि मैं मुंबई का हूँ, मैंने वरली बांद्रा सीलिंग बनाया, अब मैं विरार से 50,000 करोड़ का ब्रिज बनाना चाहता हूँ जो डायरेक्ट मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया तक जाए। तो वो
मुझे बता रहा था कि ये इन्वायरमेंट की कमेटी नहीं, इसके क्लियरेंस मिले नहीं, तो वो व्यक्ति जो था वो तो सामान्य है, ऐसे हमारे पास बहुत अभी मेंबर NHI का है, पर रात दिन काम करता है, पर उसको काम करते समय कि आधी रात को 11 बजे 12 बजे वो मुझे फ़ोन कर सकता है कि मेरी ये अड़चन है, मेरे को काम ये नहीं हुआ, ये तकलीफ है, तो माय रिलेशनशिप विद दैट पर्सन इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसके कारण 1,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में कभी कभी भी काम रात दिन चलते रहता है और मैं 1 साल में पूरा कर दूँगा, 70% काम पूरा हुआ। इसका कारण है कि उसके साथ मैं, जैसे हमारे यहाँ परिवार प्रमुख कहते हैं, वैसे मैं उस काम का प्रमुख हूँ, वहाँ के छोटे छोटे लोगों के सुख दर्द के साथ, संवेदनशीलता के साथ अगर मेरा संबंध नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे। केवल पैसे से काम नहीं होता, केवल सत्ता और दबाव से काम नहीं होता, काम प्रेम से होता है। और ये सहृदय था, सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, समन्वय, ये सब, और एक प्रारूप करके बड़ा पॉपुलर शब्द था, मदन दास जी आए, प्रारूप। सुनील जी, अगर तुमको एक काम करना है तो विद्यार्थी परिषद के जितने कुछ प्रारूप तैयार हुए अलग अलग भाषाओं में, वो भी आप इकट्ठा करेंगे ना, तो इतने लोगों का इतना बड़ा चिंतन आपको प्राप्त होगा कि मैं बताना आजकल क्या होता है मुझे मालूम है, प्रारूप प्रारूप तैयार करो। तो अभी एक एक व्यक्ति ने उस भावना के साथ, उसका अपने विचारों के साथ वो इफेक्टिव कैसे हो, इसका एक प्रकार से उसमें है, उसका चिंतन उसमें आया है, और इसलिए ये इसका एक ही इम्पोर्टेंट जो भाग है कि हम लोग जो हिंदुस्तान को विश्व का नंबर एक की सुपर पावर बनाना चाहते हैं, विश्व में जो विवेकानंद जी का सपना था, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से हम देश को एक पूर्णांक की ओर ले जाना चाहते, सर्व समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, उस देश के नागरिकों को, देश के नागरिकों की लीडरशिप को, और विद्यार्थी परिषद में कल का नहीं विद्यार्थी आज का नागरिक है, उसको हम कैसा तैयार करेंगे, इसी के आधार पर भविष्य का इनपुट आउटपुट क्या होगा वो तय होगा। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, दुर्मिण, ऐतिहासिक चिंतन है, और यशवंत राव जी के उसी चिंतन ने अनेक कार्यकर्ताओं को, जीवन को उन्होंने बहुत अच्छा व्यक्तित्व उसका निर्माण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वो अच्छा कार्य कर सके हैं, ये उनकी सोच थी। और इसको और अच्छी तरीके से एक आधे रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा नए मॉडर्न कंसेप्ट में उसको मैनेजमेंट थॉट करके हम विश्व के सामने कैसे रखें, इसका प्रयास करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि परम पूज्य ने गुरु जी का था कि कोई फोटो निकालता था तो वो चेहरे पे हाथ रखते थे, इतने प्रसिद्धि परामुखता उनके व्यक्ति जीवन में थी, और वो हमारे लिए आदर्श है। पर अब हम हमारी विचारधारा को दुनिया के सामने, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी के सामने, कि हमारे ये मैनेजमेंट कंसेप्ट है, हमारा ये ह्यूमन साइंस है, और ये हमारे मूल्य है इसके काम करने के, हम इस प्रकार की लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं और इस प्रकार के ये उद्दिष्ट को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये तय किया है। तो मुझे लगता है यशवंत राव जी उस चिंतन में सबसे आगे होंगे, दत्तोपन जी, भवराव जी, यशवंत राव, ये एक हमको ऐसी कोई विरासत मिली इनकी, और जिसमें मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे मदन दास जी के साथ काम करने का मौका आया, सदाशिवराव देवधर जी के साथ बहुत सीखने को मिला है, और जो कुछ है मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं में तो उन्हीं के सहवास से जो कुछ गुण मिले उसी का वो परिणाम था। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राजकुमार जी ने बहुत अच्छी कोशिश की है, और एक अच्छी बात उन्होंने आज इसमें किताब के रूप में सबके विचारों के द्वारा, जिसमें गोविंद जी का भी लेख है, बाल आप्टे जी का भी है, काफ़ी पुराने अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं के अनुभव है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रकाशक को भी धन्यवाद देता हूँ, और यशवंत राव जी के स्मृति को अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।